स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। जैसा कि आपको लास्ट वाला जो प्रैंक था वो बहुत पसंद आया था, पर बात ये रहती है अगर अपन कंटिन्यू प्रैंक करते रहते तो लोगों को भनक लग जाती है कि ये बंदा प्रैंक करता है तो ये कर सकता है, पर अगर हम थोड़ा रुक के करते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो। तो इसलिए हम काफ़ी दिन रुके और अब हम फिर से प्रैंक करने वाले हैं नगीना सेठी के ऊपर। YouTube चैनल है इनका, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, मतलब थोड़ा 18+ कॉन्टेंट होता है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। बाकी तो अब हम प्रैंक शुरू करते हैं कि हमारे घर का एक नंबर है, हमने स्पीकर से जोड़ लिया है और हम जो कॉल करने वाले हैं हम टोनी कक्कड़ का फ़ैन बन के कॉल करने वाले हैं कि भाई तुमने हमारे सिंगर को रोस्ट करके अच्छा नहीं किया। बाकी तो रोस्ट मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं, तो फिर मज़ा आएगा कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है कि अगर कभी मान लो जिसको रोस्ट किया उसके फ़ैन का कॉल आ जाए। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे नंबर आया मेरे पास, तो ठीक है अपनी जुगाड़े नंबर आ जाता है, तो कॉल लगाते हैं नगीना सेठी भाई को। नाक पकड़ के बात करूंगा जिससे कि मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। नमस्कार, COVID-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ से। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, नगीना जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन जी? मैं दिल्ली से बोल रहा था, मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, रामपाल बोल रहा हूँ मैं, और मेरा यहाँ पे क्या थोड़ा इंडस्ट्री वगैरह का काम है। ओके। और मैं नॉर्मली यूट्यूब चलाता हूँ, तो मेरे को यूट्यूब पे सिर्फ एक ही बंदा पसंद है जिसका नाम है टोनी कक्कड़, शायद आपने सुना होगा। क्या है उनका नाम? टोनी कक्कड़। अच्छा, टोनी कक्कड़ आपको पसंद है जी? तो मैं उनकी वीडियोस देखता था और सडनली आपकी एक वीडियो आई, आप भी यूट्यूब पे चैनल चलाते ना? हाँ जी हाँ जी। तो आपकी वीडियो आई मेरे सामने और मैंने देखा कि आप उनको रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो देखिए, अगर आपको उनके गाने अच्छे नहीं लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपका म्यूजिक टेस्ट खराब है, और ऊपर से सर आप बात ऐसी नहीं है जी। ये होता है कि चलो अपना अपना ओपिनियन होता है सबका, तो जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने अपनी वीडियोस में दिया। नहीं सर, देखिए आपकी वीडियो से मैं बहुत ऑफेंड हो गया हूँ, जैसे कहते हैं कि मेरे को जो सिंगर पसंद था इतना, हम उनके गाने अपनी पार्टियों में, शादियों में, सब जगह बजाते हैं, और देखता हूँ मैं आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि शोना शोना उन्हें 4 बार बोल दिया। भैया उनका गाना है, वो 10 बार बोलें, है जी? नहीं, लेट मी करेक्ट यू, उन्होंने 13 बार बोला था। और चलो सारी वीडियोस में तो मैंने ये नहीं बोला, मतलब कोई ऑफेंसिव बात की नहीं है। नहीं बाकी एक पर बार आप देखिए, सारी टोनी कक्कड़ वाली वीडियोस देखो, शायद आपको कोई पसंद आएगा। बाय द वे, आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? ये देखिए नंबर, तो मैं क्या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ तो मेरी बहुत जगह पहचान है, नहीं तो पहले इंडस्ट्रियल एरिया में प्लम्बर प्लम्बर से नंबर ले लिया क्या? नहीं, आप मुझे देखिए छोटा आदमी समझ रहे हैं, मैंने नंबर बहुत ऊंची जगह से निकाला है, पर उनने मुझे वादा की करवाया है मुझसे कि मुझे नंबर का बताना नहीं है कि उनने दिया है। नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, आप थोड़ा तो बताओ नंबर कहाँ से मिला, नहीं क्योंकि मेरे नंबर ज्यादा वो बात किसी अपन के पास बाद में है नहीं करते है। हैं, पहले मेरे को आपसे ये बोलना है कि देखिए मेरे को तो ये भी पता है कि आप कहाँ रहते हो, है ना? तो मैं आपसे पहले, तो मैंने सोचा कि कॉल पे आपको एक बार प्यार से बात कर लेता हूँ कि आप मतलब मेरे बेटे के बराबर क्यों आप, कि देखिए जो सिंगर हम लोगों को पसंद है हमारी पूरी फैमिली बैठ के सुन के साथ में सुनती है उनके गाने, और हम ऐसे, हमें पसंद नहीं आएगा आप देखिए ऐसे उनकी बेइज्जती करेंगे तो। आपने अभी ये चीज बोली कि आप पूरी फैमिली के साथ टोनी कक्कड़ के गाने सुनते हो? जी, उनका जब गाना आता है तो हमारी जो शादी पार्टीज होती है जितनी भी, उनमें उनके ही गाने पे डांस किया जाता है ज़्यादातर। अब देखिए बाकी के गानों में दिक्कत होती है नाचने में, उनके गाने में अपने आप तन तन थिरकने लगता है पूरा इंसान का। तो आपको मतलब होलसेल में हार्ट अटैक नहीं आता सबको इकट्ठा? नहीं देखिए, आप फिर से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पहले तो आप मेरे को ये चीज कंफर्म करो ना, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और देखो सर बात तो ऐसी है कि मतलब मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता। नहीं पर ये है कि मैं देखिए, मैंने आपको आप आज फोन इसलिए किया है क्योंकि टोनी भाई का फिर से गाना आने वाला है। कितनी तारीख को आ रहा है बेटा? 18 तारीख को। नंबर लिखना आपका, जो हाँ कि काफ़ी सुपरहिट गाना होने वाला है, वो तो उनका हमेशा होता है, देखिए आपको भी पता है, तो आप इस बार प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें। ठीक है, ट्राई करूंगा कि शायद इस बार ना वीडियो बने, बट देखते हैं अब। नहीं देखिए वो अगर आपको
नहीं अच्छा लगा मतलब मेरा ऐसा वीडियो बनाना, तो आप मत देखो ना, मतलब ठीक है आप, आपका म्यूजिक टेस्ट अब ऐसा है तो ये तो नहीं भगवान भी नहीं ठीक देखिए, कर सकता, मतलब ये तो अब आप पे ही है। मेरे बच्चे जो नाचते हैं उनके गानों पे, वो आपकी वीडियो देख के रोने लगे कि देखिए पापा ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो वही है ना यार, देखिए आपकी वजह से बच्चे रो रहे हैं हमारे घर में। तो देखिए मैं आपको प्यार से समझा सकता हूँ, और अगर आपकी फिर से वीडियो आती है मान लीजिए, तो फिर मैंने आपका घर भी देखा है, पंजाब में रहते हैं ना आप? हाँ जी जी देखिए मैंने आपका घर भी देखा है, और अच्छी खासी पहचान है मेरी उस एरिया में भी। तो फिर देख लीजिए, मैं आप आपको थ्रेड दे रहे हो क्या? नहीं, देखिए मैं ऐसे वैसे तुच्छा आदमी नहीं हूँ जैसा आप सोचें, मैं आपको इज्जत से समझा रहा हूँ भी, नहीं तो फिर मेरे को आगे एक्शन कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मजा नहीं आया। चलो ठीक है सर, ट्राई करेंगे कि वीडियो नहीं बनेगी, बाकी देखते हैं, अभी कुछ श्योरिटी में बोल नहीं सकता। एक तो आपका नाम रामपाल, ऊपर से आप टोनी कक्कड़ के फैन, इससे ज्यादा क्या ही। चलो ट्राई करेंगे वीडियो ना बने, बट नहीं देखिए मैं, ऐसे आप फोन पे थ्रेड तो मत दो ना कम से कम। नहीं देखिए थ्रेड की बात रही तो मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, पर टोनी मेरे, देखिए मेरे को सिर्फ एक ही सिंगर अभी तक ज़िंदगी में पसंद आया है, मेरे दिल के बहुत करीब है उसके गाने, और जब कोई ऐसा बोलता है तो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई साहब। चलो आप फिर सॉरी आपको भी फील कर कोई सकते हैं सिंग, आप। और सोनू निगम, अरिजीत सिंह, के, इनको कभी सुनो आप। नहीं उनके गानों में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शब्द रहते हैं, तो वो इतना याद नहीं रह पाते उनके गाने। टोनी जी के गाने अगर आप भी सुनेंगे तो आप देखिए एक या दो बार सुन के आपको पूरे गाने याद हो जाएंगे। तो अंकल दिया हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए आप मेरे को अगर कोई नॉर्मल आदमी समझ रहे हैं, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। क्या आप सोच रहे हैं मैंने आपको फोन किया है तो मैं कोई टुच्चा उच्चा आदमी हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, आपकी नाक की चार मोरियां हैं, नॉर्मल आदमी नहीं हो क्या? बार बार आप थ्रेट क्या दे रहे हो, पहले मेरे को ये बताओ। नहीं अब तो लगता है मेरे को कि आप ऐसे नहीं मानोगे, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा लगता है। अब तो देखो सर आपसे सिंपल सी फेस टू बात है, फेस ही आगे बात से होगी। ट्राई करेंगे, श्योरिटी नहीं है, बट आई ट्राई कि कोई वीडियो ना बने। अब जैसा उसका गाना है, नंबर लिख अगर तो, और मैं अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ आई गेस, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, आपने देखेंगे थकेश है, रजत पवार है, और शिवम सिंह राजपूत है, नहीं देखिए और भी बात ऐसी बहुत है कि ऐसे क्रिएटर्स हैं जो हम यूट्यूब ज़्यादा पर रोज YouTube नहीं बनाते हैं, चलाते हैं, तो हम मैं सिर्फ ही टोनी क्यों? भाई का गाना आता है जब देखते हैं, और आपकी वीडियो सामने आ गई तो वो हमने देखा, तो फिर पता किया कि आखिर कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसको टोनी भाई के गाने ना पसंद आए। सर एक काम करो, भगवान जाने जियो किसने बनाया, एक बार ना YouTube पे सर्च करो टोनी कक्कड़ रोस्ट, सबसे ऊपर ना आपको दो तीन यूट्यूबर्स हैं उनकी दिख जाएगी, मेरी तो बहुत नीचे है अभी, तो इतने लोगों ने टोनी कक्कड़ के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, मैं तो फिर इज्जत से बात करता हूँ। ठीक है तो भाई क्यों कर रहे हो, टोली कक्कड़ को रोस्ट मत करो ना। कौन बोल रहा है? अरे रजत बोल रहा हूँ, रजत। रजत पवार? हाँ अबे अरे यार क्यों करते हो यार किसी मतलब मेरे को ना के आधे फोन में टट्टी निकल गई मेरी, मैं कहा यार ये क्या सीन हो गया। अरे सिलेंट दे रहा है इंसान को भाई, कोई नहीं हो सकता ऐसा इंसान, ये इम्पॉसिबल है कि टोली मैं कक्कड़ वही को। सोचू, मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे बच्चे सुन, मैं सभी को पूरी फैमिली को कट्ठा हार्ट अटैक नहीं आता, सारे कट्ठे वही बहन के। भाई मैंने बोला कॉल पे भी रोस्ट कर रहा है यार तुम। अरे क्या 35% मेरी निकल चुकी थी। वही यार, मैं क्या कहते, मैंने सोचा यार किससे प्रैंक करूं यार, टोनी कक्कड़ भाई बढ़िया रोस्ट अरे करना, यार नंबर लिख को तो रोस्ट करना ये नहीं खिला पड़ेगा क्या बंदा, अब टोनी यार। कक्कड़ का गाना आ रहा है, चलो उस पे वीडियो बनाते हैं, मेरी तो हाँ वैसी वैसी हो गई। नहीं मैं कहा यार ये तो सीन ही पड़ गया, भी ऐसा कौन सा तगड़ा फैन आ गया जिसने नंबर ढूंढ लिया मेरा। और वैसे भी टोनी कक्कड़ किसको ही पसंद है यार इतना ज्यादा, रियाज के अलावा। घर में गाने बज रहे हैं, वाह ये तो हिम्मत ही चलिए चाहिए वैसे। ठीक है, कमेंट वो बोल दीजिए मेरी ऑडियंस से लाइक करने के लिए, बाकी यूट्यूब पे आएगा वीडियो देखना जरूर। हाँ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो जो फीचर यूट्यूब में होता है सब कुछ करो, और मेरे हाँ को भी। नगीना भाई का चैनल में नीचे डाल दूंगा, सब जाके चेक करें, 18+ कंटेंट है, मस्त देखना जाके। चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ ना। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। बाय। अरे भाई
अरे यार ये बहुत बहुत खतरनाक आइडिया था पता है मेरे दिमाग में कि टोनी कक्कड़ का फैन, पहले तो मेरे को लग रहा था कि क्या पता यकीन भी कर पाएंगे कि नहीं वो, पर मजे आए, अच्छा प्रैंक था, मज़ेदार यार, मेरे को तो लग रहा था कि गाली वाली ना बक दे मुझे पर यार बड़े सभ्य, पता है ऐसे ही रहता है वीडियोज में, जैसे दिखते ना वैसे असल में होते नहीं है वो, कितने सभ्य, कितने अच्छी तरीके से बात करी, तो बाकी मैं भी बहुत सभ्य हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी नगीना सेठी भाई का भी चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो पसंद आएगी, काफ़ी अच्छी बनाते हैं, टोनी कक्कड़ वगैरह भी रोस्ट करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले अगले प्रैंक में, बाकी धन्यवाद, मज़ेदार प्रैंक था यार आज का, तो मुझे भी नाक दब गई मेरी बात करते करते।